अम्मा जाग रही हैं। क्या हुआ हारिस बेटा? तुम तो पार्टी में गए थे। खाक पार्टी में गया था मैं। आपको जरा सा भी अंदाजा है कादिर की वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? क्या हुआ? क्या हुआ है? अपने लाटे को फोन कीजिए और पूछिए क्या हुआ है। देखो रात के इस वक्त तमाशा करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ है वो बताओ। तमाशा मैं नहीं कर रहा, कादिर ने लगाया तमाशा वहां पर। पूछिए उससे क्या जरूरत थी उसको बाबे हुरम को बुलाने की। हाँ तो फ्रेंड है उसकी वो। जब वो अच्छी तरह जानता है कि मेरा और हुरम का रिश्ता खत्म हो चुका है तो वहां उसे बुलाने का क्या मकसद है? जाने तो उसके जिक्र को, उसकी बात करके तो अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? इग्नोर करो उसे। मैं इग्नोर कर सकता हूँ पर ये नहीं जानता था कि वो इतने अच्छे से इग्नोर कर सकती है। आप लोगों को पता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। दफा करो उसे। अरे तुम्हें क्या कमी है लड़कियों की? मुझे नहीं पता। अभी के अभी आप लोग कादिर से पूछिए, अभी के अभी पूछिए। जब वो जानता है हमारा रिश्ता उस घर से टूट चुका है तो उसने माहूरम को क्यों बुलाया? आई वांट टू नो, क्यों बुलाया उसने? हारिस वो कोई दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। मैं खुद तुम्हारे लिए अच्छी खानदानी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। लेकिन बेटा प्लीज तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। नहीं अम्मा अब नहीं करूंगा। अब आप देखिए मैं इस किस्से को क्या अंजाम देता हूं। हुरम का हिसाब तो होगा ही और छोड़ूंगा मैं अब कादिर को भी नहीं। I'm not sparing anyone. हारिस, हारिस प्लीज बेटा मेरी बात तो सुनो। देख लिया तुमने अपने भेजा लाड प्यार का नतीजा? कसम प्लीज मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी और ना बढ़ाएं। मेरे बेटे का दिल टूटा है, उसकी तरफ देखें, उसकी भी कोई दिल जो ही कर लिया करे। मगर नहीं, आप तो हर वक्त सही और गलत का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। कादिर इतनी जल्दी उठ गए? यार एक जरूरी मीटिंग पे जाना है, शानू को ही कॉल कर रहा था चाय के लिए। मैं बना देती हूँ। प्लीज थैंक यू। आप बैठे मिलाते हैं। तुम क्या कर रही हो? मैं कादिर के लिए चाय बना रही हूँ। ओ नाइस यार, एक्चुअली मुझे भी चाय पीने का दिल कर रहा था। मेरे लिए भी एक कप बना दोगी? कादिर को देर हो रही है, आप शानू बाजी से कह दें वो बना देगी। तुम्हें नहीं लगता सोबिया तुम कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही? मतलब मैंने एक कप चाय का कहा है और तुम मना कर रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कादिर की एक बहुत जरूरी मीटिंग, उसके लिए उन्हें देर हो जाएगी। तो या आप अपनी चाय खुद बना दें या शानू बाजी से कह दें। और अगर तुम एक कप चाय और बना दोगी तो कितनी देर लग जाएगी? जितनी भी देर लगे कादिर को देर हो जाएगी, आप खुद बना लें। कादिर, कादिर बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। जी है, मंगेतर है वो। मंगेतर ये ले जी कादिर, मैंने बनाए हैं आपके नाश्ते के लिए स्पेशल पराठे। थैंक यू। सूबिया भाभी ना अपने हाथों से पुडिंग बना रही हैं कादिर भाई के लिए। सूबिया तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास बहुत ही फारिग वक्त है? कभी कादिर के लिए पराठे बना रही हो, कभी कुछ और अब ये पुडिंग। इससे ज्यादा और क्या काम हो सकता है मुझे?
कादिर के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाती हूँ। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ जरूरी काम है मेरे लिए। और अगर तुम मेकअप चाय और बना दोगी तो कितनी देर लग जाएगी? जितनी भी देर लगे कादिर को देर हो जाएगी, आप खुद बना लें। कादिर, कादिर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जी है, मंगेतर है वो। हारिस जी बेटा, बात हो सकती है? जी जी आप बैठे। सॉरी, ये देखो ये लड़की कैसी है। ये कौन है? वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, अहमद साहब, उनकी बेटी है। सही है, पर आप मुझे क्यों ये तस्वीर दिखा रही है? अगर तुम्हें ये अच्छी नहीं लगी तो मेरे पास और भी लड़कियों की तस्वीरें, मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ, शायद तुम्हें वो पसंद आ जाए। अम्मा प्लीज, मुझे नहीं देखनी है। और आप दिखा क्यों रहे हो ये सब तस्वीरें? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए कोई लड़की पसंद करो शादी के लिए। अम्मा अभी इस बारे में मेरा कोई इरादा नहीं है। बेटा इरादा तो बनाना पड़ता है ना। तुम पुरम को भूल जाओ, अपनी जिंदगी में नए लोग लाओ ताकि जिंदगी की नई शुरुआत हो। ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी की नई शुरुआत करूं, शादी कर लूं, तो ठीक है, पर इन लड़कियों में से किसी से नहीं। हाँ, पर एक लड़की है, उससे शादी कर सकता हूं। तो बेटा तुम मुझे बताओ, मैं खुद जाके बात करूंगी। कौन है वो? सोबिया। मैं सोबिया से शादी करना चाहता हूं। आर यू सीरियस? अगर तुम मुझसे जोक कर रहे हो तो बहुत ही भोंडा मजाक है। जोक नहीं है अम्मा, इनफैक्ट आई एम डैम सीरियस। हारिस, तुम होश में तो? तुम क्या कह रहे हो? एक तो वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, और सबसे पहले तुम्हें उस लड़की का इस घर में वजूद पसंद ही नहीं था। जब कादिर उससे मंगनी कर रहा था तो सबसे पहले तुम उसके अगेंस्ट खड़े थे। कहां तुम सोबिया जैसी लड़की अपने लिए पसंद कर रहे हो? हुरम जैसी आसमान को छूती हुई लड़की छोड़कर तुम्हें अपने लिए जमीन पे पड़ी हुई लड़की पसंद आई है? अम्मा आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मैं समझना चाहती भी नहीं, तुम बहुत बेतुकी बात कर रहे हो। देखिए अम्मा, अब मुझे हुरम जैसी मगरूर लड़की नहीं चाहिए, वो जो अपनी पर्सनैलिटी में इतनी खोई हुई है कि उसे कोई और दिखाई ही नहीं देता। मैं भी नहीं, मैरिज मटेरियल है ही नहीं। मैरिज मटेरियल तो सोबिया जैसी लड़कियां होती जिनके लिए दुनिया में सबसे अहम उनका शौहर होता है। शौहर जो भी कह दे वो सर झुका के हां करती हैं। शौहर के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज उनके लिए हर्फ आखिर होता है। मुझे शादी के लिए ऐसी ही घरेलू लड़की चाहिए। फिर भी ये कोई जवाब नहीं है सोबिया को पसंद करने का। हम इस मिजाज की कोई और लड़की ढूंढ लेंगे, मगर सोबिया नहीं। वो तुम्हारे भाई की मंगेतर है, तुम समझ रहे हो? कुछ अकल तुम्हारी काम कर रही है कि तुम मुझे इस वक्त क्या कह रहे हो? अम्मा मैं जो भी कह रहा हूँ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। इट्स इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। और आप प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद करें। और अगर आप वाकई चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, तो शादी मैं सिर्फ सोबिया से ही करूंगा। मैं कह तो रही हूं हम कोई अपने ही सर्कल से वो घरेलू सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। माँ आप अच्छी तरह जानती हैं हमारे सोशल सर्कल में ऐसी घरेलू लड़की कहां मिलेगी। जो भी मिलेगी वो हुरम जैसी होगी, जिसकी पहली प्रायोरिटी या तो उसके इंटरेस्ट है, या उसका करियर है, या खुद की जात। और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए।